नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस वाले करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। लोगों ने कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाएं। समय ना मिलने के कारण करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं बन पा रहे थे, लेकिन चूंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 21 जून को पेपर है, तो डिसाइड ये किया गया है कि रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स लाया जाएगा। डेट वाइज करंट अफेयर्स नहीं होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस वही करंट अफेयर्स लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो जिस तारीख को ये वीडियो बने उसी तारीख का करंट अफेयर्स हो, पुराना करंट अफेयर्स होगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। दूसरी बात दोस्तों, चूंकि ये आप लाइन देखिए पीसीएस वाला करंट अफेयर्स, तो यूपी पीसीएस की जो स्थिति है दोस्तों, उसमें क्या है कि प्रभात कुमार जी की वजह से करंट अफेयर्स अब डिस्क्रिप्टिव हो गए। समझ लीजिए, स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर्स आएंगे, सिंगल लाइन करंट अफेयर्स नहीं आने वाले। आपको जिस तरह से आईएएस में आते हैं उसी तरह करंट अफेयर्स पढ़िएगा। सिंगल लाइनर वाले जो करंट अफेयर्स पढ़ने के जमाने लद गए, अगर आप सोचोगे कि वही सिंगल लाइनर वाले करंट अफेयर्स पढ़ के आप सिंगल वर्ड वाले क्वालिफाई कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस पीडीएफ को, इस सीरीज को पीसीएस वाला करंट अफेयर्स बनाया गया है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये वाला पीडीएफ जो आप इसमें स्क्रीन में देख रहे हो, ये तो इंग्लिश में रहेगा, बट अगर आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए या इस यही पीडीएफ भी चाहिए आपको, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, फ्री में मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के फ्री पीडीएफ लिख के मुझे 8317040152 पे भेज दीजिएगा। आपको याला पीडीएफ और साथ में जो इन फ्यूचर में जो वीडियो बनेंगे उन सबके पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, साथ में जो फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है उसके पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला जो है काफ़ी सुर्खियाँ बटोर चुका है, काफ़ी कुछ हमने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं कहा चलो सबसे पहले इससे शुरुआत की जाए। पहला चीज, जो ये 2019 वाला अमेंडमेंट एक्ट है, ये अमेंड करेगा किसको अमेंड करेगा, 1955 के जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको अमेंड करेगा। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1955 का जो अमेंडमेंट है उसको अमेंड करेगा ये, ठीक है। जिसमें खासकर ये रखा था कि जो 2005 वाले इसमें बोला गया था कि जो लोग इलीगल आ जाते हैं उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले ही बोला गया 2005 वाले में बोला गया था कि जो इलीगल तरीके से आ गए बिना बताए, बिना उसके सही डॉक्यूमेंट्स के आ जाते हैं, तो उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। लेकिन 2019 वाले एक्ट में ये खासियत की गई है कि कुछ लोग जैसे हिंदूज, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो इलीगल तरीके से भी हिंदुस्तान आते हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीन कंट्रीज से हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन आते हैं, ठीक है, उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है, ठीक है। इसमें दूसरी चीज़ क्या है, आप आखिरी लाइन देखिए कि जो न्यूट्रलाइजेशन का जो ड्यूरेशन होती है, मतलब कि कितना समय हिंदुस्तान में गुजारना है, पहले 11 साल का था, अब घटा के 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। जो ये 5 छः कैटेगरीज हैं जिसमें उनको 5 साल में अंदर अगर वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उनको मिल सकता है। तो ये लाइनें, 2-3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। जो इंग्लिश नहीं जानते हैं कम से कम वो वीडियो सुन लें, पीडीएफ पर मिल जाएगी आपको, सुन समझ लीजिए इसको आप, ठीक है। हिंदी वाला पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बात बोली गई है। पहली बात तो समझिए कि अगर ये जो बात बोली गई कौन कब से पहले होना चाहिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले आ जाना चाहिए, उसके बाद वाले नहीं, उससे पहले आ जाना चाहिए, तभी उन्हें कंसिडर किया जाएगा सी ए एक्ट के तहत। ये नहीं कि कल ही चले आ रहे हैं तो उनको भी सी ए के तहत डाल देंगे, नहीं, जो 2014 से पहले थे उनके उसी में उनको उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एक बात और भी है कि ये लोग जो आर्टिकल जो शेड्यूल सिक्स जो है संविधान का, उसके तहत जो आते हैं, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ATM2 से मैं करता हूँ, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनका जो इन वो जो एरिया हैं, जब ट्राइबल एरिया हैं जहाँ पर, ठीक है, उन वहाँ पे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। अभी क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि बवाल ये चलता है कि डेमोग्राफी जो कि जो जनसंख्या का जो जिस तरह का होता है उसका खतरा होता है। लोगों का मानना था कि लोकल लोग थे वो कम हो गए हैं, बाहर के लोग ज़्यादा बस गए हैं, तो इसका खतरा बसा हुआ है। तो इसीलिए जो बड़े सेंसिटिव इलाके हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ पर अगर बंदा है तो उसको CAA में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड के अंदर जो इनर लाइन परमिट है, यानी कि जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, वहाँ पर भी जो लोग होंगे तो वहाँ उनको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा CAA के ऊपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं, क्रीमी लेयर फॉर SC ST प्रमोशन। देखिए इसके ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है, पहले समझिए जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर होती क्या है। देखिए कोई कम्युनिटी है उसके अंदर जो सबसे टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो क्रीमिलियर असर में SC ST, तो खैर अभी बात चली है, OBC में, अभी भी OBC में ऑलरेडी क्रीमिलियर का फंडा है। इसका मतलब होता है कि OBC के अंदर जो टॉप लेवल के लोग होंगे, जो पैसे से, सामाजिक इक्वालिटी से सब कुछ बढ़िया हैं, ठीक है, और 8 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम है, तो
उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है, मतलब कि इनको लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जो लोग संपन्न हैं, जो मजबूत हो चुके हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और उनको क्रीमी लेयर में डाल देंगे। तो ये तो ओबीसी वाले में फंडे में था ही। अब पहली बार एससी एसटी वाले में बात चल रही है कि एससी एसटी प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि यार प्रमोशंस में पहली बात तो ये चलता है कि एससी एसटी को प्रमोशन में मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये बात चलती है। दूसरी बात है कि क्या किया जाए। तो इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने डिमांड किया, देखिए गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट से कि जो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता वाला जो केस था, जर्नैल सिंह वाला लक्ष्मी गुप्ता वाला केस था, उसको रिव्यू किया जाए। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता वाला केस को जो वर्डिक्ट दिया था, जो ऑर्डर दिया था, उसको रिव्यू करें आप। ठीक है, एक केस और भी आया था एन नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 वाला, उसमें रिजर्वेशन अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, और ये जर्नैल सिंह और लक्ष्मी गुप्ता वाले केस में लागू नहीं किया गया था, लेकिन जो नागराज और यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 था उसमें रिजर्वेशन जो था वो अलाउ किया गया था, लेकिन साथ में तीन कंडीशन लगा दी थी कि रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब पहला तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला कि हमारे पास ऐसा डेटा होना चाहिए कि जो जो ये बताया कि एस सी एस टी बैकवर्ड है, क्वांटिफाइबल डेटा, मतलब कि ऐसा डेटा जो दिखाए कि हाँ भाई सचमुच एस सी एस टी है, कहने से नहीं होगा, डेटा होना चाहिए हमारे पास, कितना इनकम है, कहाँ पर रहते हैं, वो डेटा के रूप में होना चाहिए। दूसरा है कि उनका यह शो होना चाहिए कि उनको नौकरी में या उस पोस्ट पे इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि उन लोगों की तादाद उस पोस्ट पे कम है। रिजर्वेशन का मतलब गरीबी हटाना आंदोलन नहीं होता, रिजर्वेशन का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब कि अगर एस सी की पॉपुलेशन अगर 20% है तो कम से कम 20% लोग होने चाहिए जो उस जॉब पे, अगर उनको लगता है कि 2% 3% है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए प्रमोशन अलाउ कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनी रहे, मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी को भी पोस्ट में भर दिया जाए। थोड़ा सा ये देखा जा सकता है कि कट ऑफ वट ऑफ में थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एफिशिएंसी ख़राब हो जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि एफिशिएंसी नहीं ख़राब होनी चाहिए और थोड़ा बहुत कट ऑफ को नीचे ला सकते हैं। अगर ये तीन चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं कि अगर डेटा है, साथ में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, और अगर एफिशिएंसी कम नहीं होती है, तो आप क्रीमी लेयर जो ये प्रमोशंस को अलाउ कर सकते हैं। ये किसने बोला था? नागराज यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस ने 2006 में। उसके बाद जनरल सिंह और लक्ष्मी गुप्ता का केस आया जिसने बोला कि नहीं होना चाहिए, जो जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कि रिव्यू करने के लिए कहा है, और बोला कि 7 जजों की जो पैनल है उसमें जाया जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट इसलिए बोल रही है क्योंकि थोड़ा सा अब पॉलिटिकल भी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो एस सी एस टीज़ को और सुविधाएं दें जिससे उनका भला हो, साथ में इलेक्शन के टाइम में सरकार का भला हो। ठीक है, अच्छा अब आएगा 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या है संविधान संशोधन 126वां? ये क्या है? ये बोलता है, दो चीज़ें बोलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान सुनिएगा। दो चीज़ें बोलता है, पहला बोलता है कि जो एस सी एस टी को लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन मिलता है, पता है ना, लोकसभा और विधानसभा में एस सी एस टी को रिजर्वेशन मिलता है, सीटें कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, वो सुविधा 10 साल के लिए बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो 126वां जो संविधान संशोधन है ये बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, 126वां है ये। दूसरा क्या बात क्या बोलता है कि जो एंग्लो इंडियंस होते थे लोकसभा में विधानसभा में, जो कि नॉमिनेटेड होते थे, कितने लोग होते नॉमिनेट लोकसभा में? 2। एंग्लो इंडियंस होते कौन हैं? वो एंग्लो इंडियंस जो अपने पापा के साइड से यूरोपियन हो, यानी कि कोई ब्रिटिशर हो, कोई यूरोपियन हो, और उसकी मम्मी इंडियन हो, तो उसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन, मतलब मिक्स खून हो। ठीक है, तो चूंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय एंग्लो इंडियंस की राइट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई थी, जैसे लोकसभा में 2 सीटें और विधानसभा में 1 सीट को कहा था कि रिजर्व करेंगे एंग्लो इंडियंस के लिए। लेकिन चूंकि समय के साथ अब इतने एंग्लो इंडियंस बचे नहीं हैं, इसीलिए सरकार ने डिमांड किया है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 334 जो है वो ये बताता है कि जो रिजर्वेशन है एस सी एस टी का लोकसभा विधानसभा में, वो 10 साल के लिए 10 साल के लिए होता है। ठीक है, परमानेंट नहीं होता है, जब देश संविधान बना था तब भी वो 10 साल के लिए बना था, उसके बाद एक्सटेंड होते रहे हैं, जैसे कि आपके बताएं कि 8वां, 23वां, 45वां, 62वां, 79वां, 95वां वाला। ये संविधान संशोधन है जो एस सी एस टी के रिजर्वेशन को हर बार 10 साल के लिए बढ़ाते गए। ठीक है, अब उसमें 126वां भी आ गया है। ठीक है, अच्छा
आर्टिकल जो 330 और आर्टिकल 332 है वो ये मेंटेन करते हैं। जो आर्टिकल 330 बोलता है कि लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, और आर्टिकल 332 बोलता है कि विधानसभा में SC ST का ये रिजर्वेशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आर्टिकल याद रखिएगा, एग्जाम से पूछे आते हैं, ढंग से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो नॉमिनेट करने की बात करते हैं आपके एंग्लो इंडियंस की, तो वो आर्टिकल 331 में आता है। तो तीन चार आर्टिकल्स हैं, 331, 330, 332, 334, इसको समझ लीजिएगा इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या बोलता है भाई। मिनिस्ट्री हमारी है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जो मिनिस्ट्री है उसने एक इंडेक्स, एक रैंकिंग तैयार की और बोला कि भैया कौन स्टेट जो है बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अपना गवर्नेंस जो होता है उस प्रशासन जो है अच्छे तरीके से कर रहा है, इसको लागू किया, एक इंडेक्स तैयार किया, रैंकिंग तैयार की। और किस दिन पर लॉन्च किया इसको, 25 दिसंबर को, जो हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अब ये बताओ कि 25 दिसंबर को क्यों बोलते हैं, 25 दिसंबर को आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है तो उनके नाम पे गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर 10 सेक्टर लिए गए, इसमें एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, HRD, आपका जुडिशल, पब्लिक सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक गवर्नेंस, ये सब मिला के 10 फैक्टर्स थे जिसके हिसाब से रैंकिंग की गई और स्टेट्स को रैंक दिया गया। अब स्टेट्स भी अलग अलग हैं, कुछ बड़े स्टेट हैं, कुछ छोटे स्टेट्स हैं, तो तीन कैटेगरी बनाई गई हैं, बड़े स्टेट्स, ठीक है, हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट और UT, ठीक है। तो रैंकिंग जब आई, बड़े स्टेट्स की बात आई, तो बड़े स्टेट्स में नंबर वन रैंकिंग आई है गुड गवर्नेंस पे तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये हैं गुड गवर्नेंस के बिग स्टेट्स में रैंकिंग है, याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा, एक नहीं तीनों, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में नंबर वन पे HP, फिर UK और फिर त्रिपुरा, और UT में नंबर वन पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। ये रैंकिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब नागपुर रेजोल्यूशन पूछा जाता है, नागपुर रेजोल्यूशन क्या है, भाई नागपुर रेजोल्यूशन एवं मीटिंग हुई थी वहाँ पर, और जो इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, इस नाम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम नागपुर रेजोल्यूशन बोलते हैं, कि गवर्नेंस का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बाद नागपुर में मीटिंग हुई थी, ठीक है, याद कर लीजिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी है आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखिए इसमें क्या था कि हमारे पास देश में पहले एक आर्म्स एक्ट था 1959 वाला, आर्म्स एक्ट 1959, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, मोटा मोटा अमेंडमेंट किया गया, जैसे कि अब ये देखा जाएगा कि कोई कोई गलत तरीके से हथियार तो नहीं बना रहा है, इसका इलीगल ट्रैफिकिंग यानी कि किसी को बेच तो नहीं रहा है गलत तरीके से, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से बनना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई, वैसे कई बातें हैं लेकिन मैं बहुत कम बातें लेकर आया हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी कुछ। अगर कोई बंदा जैसे कि पुलिस का हथियार छीन के लाता है तो उसको 10 साल या कि उम्र कैद की जेल हो सकती है। ये कहाँ के लिए होता है, जो आप देखते हो जो जो आपके नक्सली हैं वो हमेशा पुलिस वालों को मार के उनके हथियार ले आते हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए आर्म्स एक्ट 2019 में इस चीज़ को डाला गया कि अगर ऐसा बंदा कोई मिलता है जो हथियार लूट के जा रहा है तो उसको 10 साल या उम्र कैद की जेल हो सकती है। दोस्तों ये मैंने कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ जो कुछ बातें थी वो कर दी हैं, करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसको ढंग से पढ़िएगा, सब इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से पढ़िएगा, हिंदी में आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी खत्म करने से पहले दोस्तों, UPPCS के लिए ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, अगर आप इसे इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वीडियोज़, PDF, टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट सब इंक्लूड होता है, हर चीज़ आपको यहाँ से दी जाती है, कुछ आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। फीस मंथली बेसिस पर रहता है, 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। आप 8317040150 पर कॉल करके इस कोर्स को यहाँ के ले सकते हैं। बाकी फ्री PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करके फ्री PDF लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।